प्रेम कुमार जी, ये दो पार्टियों के बीच के झगड़े का सवाल है, ये है क्या दरअसल? अगर मेरा अपना मानना है कि अगर मान लिए सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी भी गई तो वो कोई इतना गंभीर मसला नहीं, वो उसका जवाब दे सकते थे। लेकिन अगर सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी तो कांग्रेस पार्टी को उस पर रिएक्ट करने का भी अधिकार है। भाई आप सिर्फ मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को भी करिए। मुझे तो लगता है आशुतोष जी के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा केयर करने लगी है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी का केयर कर रही है, वो भारत तोड़ो यात्रा करने वालों का केयर कर रही है, जब तक भारत तोड़ो यात्रा बोल रही थी उसका केयर कर रही है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं उनका केयर करने लगी है, उन सब का केयर कर रही, बाकी सब जो देश में हैं उनका उन पर ध्यान न दे करके केवल इन लोगों पर केयर कर रही है। तो इस रूप में भी कांग्रेस देख सकती है, भाई हमें अब तक दुश्मन बता रही थी और अचानक हमारी जिंदगी के बारे में इतनी संवेदनशील हो गई है सरकार, इस रूप में भी देख सकती थी। क्या है आशुतोष जी कि आज जिस वेरिएंट का खौफ इस देश में दिखाया जा रहा है वो वेरिएंट का एक भी एक्टिव केस नहीं, जो केस था वो अब स्वस्थ हो चुके हैं, जो भी केस थे सितंबर में और नवंबर में वो स्वस्थ हो चुके हैं, एक्टिव केस की बात मैं कह रहा हूं, अरविंद जी आप समझ गए होंगे, तो एक्टिव केस एक भी नहीं है। उसके बाद ये हमारे देश में वायरस पैदा नहीं हो रहा है, ये वायरस कहीं से आ रहा है, कहां से आ रहा है तो वो चाइना है, जापान है, ताइवान से आ सकता है, ये स्थिति है। तो जहां से आ सकता है वहां से नहीं आए, यहां पर पहला एक्शन होना चाहिए ना, पहला एक्शन होना चाहिए। मुझे याद है 2020 में जब कोरोना आया था तब भी मैंने पूरे फर्स्ट केसेस का विश्लेषण किया था कि पहला केस, तो पहला केस जो शुरुआती दौर में हर एक स्टेट का हमने दिखाया था तो सब उस जगह से मिला था जहां पर हवाई जहाज पहुंचते हैं, एयरपोर्ट वाले शहरों से पहले केसेस मिले थे। तो आज भी वही स्थिति है, जो आपको केस मिलेगा वो एयरपोर्ट वाले शहर से मिलेंगे, तो या मिले भी हैं जो दो चार केस हैं गुजरात के भी, तो उसको अगर ध्यान रखें तो पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि एयरपोर्ट को आप देखते कि उन देशों से आवाजाही ना हो, उसको आपने देखा नहीं। तो सरकार ना कोई एक पार्टी बीजेपी कांग्रेस को आगाह नहीं कर रही है, एक सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय उसका गाइडलाइंस अभी थोड़ी देर पहले जारी हुआ है, वो भी एयरपोर्ट को लेकर के वेबसाइट पर, तो एक डेढ़ घंटा पहले जारी हुआ है, इससे पहले नहीं था, कल का डेट लगा है और आज जारी हुआ है वेबसाइट पर, मैं बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ जी। तो इससे पहले इसके अलावा मैं हमें ये भी पता चल रहा है जैसे अस्पताल है, अस्पताल अपने तई वो जारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अब कोविड का ये चीज सिस्टम फिर से लागू होगा, मास्क पहनिए, डिस्टेंस वगैरह जो सब लागू कीजिए। तो इसके बावजूद देश में कहीं भी आप देख रहे हैं ये लागू नहीं है, प्रधानमंत्री जी संसद के भीतर आज मास्क लगाते हैं लेकिन बाहर दूसरी जगह पर बिना मास्क लगाए घूम रहे, दो दिन पहले मेघालय में रैली कर रहे हैं, भाई उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं लेकिन कोई मास्क लगाया नहीं हुआ, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है देश में, मास्क लगाए कि नहीं लगाए। और जो अभी वेबसाइट में जारी हुआ है हवाई जहाज पर लगाने के लिए हवाई अड्डों पर, उसमें भी वो मास्क लगाने वाला प्रोटोकॉल 24 तारीख से लागू होना है, आज से नहीं 24 तारीख से। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखे तो वो खतरा जो बताया जा रहा है, जिसकी आशंका बताई जा रही है, उसके लिए सबसे पहले एक भारत जोड़ो यात्रा के लिए आप चिट्ठी लिख रहे हैं और बदले में कह रहे हैं कि हमने एक बंद कर दिया। आपकी दसियों यात्रा हो वो उस भारत यात्रा के बराबर हो सकती है कि आप ही तय करेंगे, आप ऐरा गहरा दो चार यात्रा शुरू कर देंगे और उसको बंद कराने के नाम पर भारत यात्रा बंद करेंगे। ये बड़ा सवाल है कि क्या आप पॉलिटिकल मोटिव जो है इल मोटिव लेकर के आप भारत यात्रा को टारगेट कर रहे हैं कि देश को कोविड को से बचाने के लिए आप कदम उठा रहे हैं। आशुतोष जी, एक आपसे विनम्र निवेदन है, मैं कभी बीच में बोलता नहीं हूँ, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के यात्रा को ऐरा गहरा मत कहिए, नहीं तो मैं प्रेम जी
मैं कहूं कि कोई भी ऐरा गहरा पत्रकार बोलेगा और मैं मानूंगा। अरविंद जी आपने आपने बचना चाहिए। अरविंद जी आपने आपका आदर करता हूं, आप बड़े हैं, मैं चाहता हूं आपसे सीखिए। अरविंद जी अपनी बात कहिए, लेकिन शब्दों का प्रयोग कोई ना करे तो अच्छा रहेगा। अरविंद जी आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, मैं प्रेम जी से भी कहूंगा कि आप प्लीज संयम रखें, चलिए अपनी बात कंप्लीट करें। योर पॉइंट इज वेल टेकन, ठीक है प्रेम जी। जी मैं ठीक है, मुझे अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मेरा मैं फिर से उस बात को स्पष्ट करता हूं कि ये तो सुनो, ये तरीके से हो सकता है कि दो आप यात्रा प्रायोजित कर दीजिए। हमको बड़ा टारगेट भारत यात्रा को रुकवाना है और कोविड के बहाने उसको टारगेट कीजिएगा और अपनी दो यात्राएं बंद कर लीजिए। अब मैंने ऐरा गहरा शब्द हटा लिया, लेकिन ये हो सकता है और ऐसा ये इलमोटिवल है जी। मतलब प्रेम जी आपका कहना यह है कि दरअसल गलत मंशा के साथ ये चिट्ठी जारी की गई है और उसका पूरा मकसद है भारत जोड़ो यात्रा को रोकना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।